नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कौन सी एजेंसी करवा रही है तथा यह एजेंसी कैसी है, कौन कौन से एग्ज़ाम इस एजेंसी ने करवाए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न TCS से अलग रहेगा या सेम रहने वाला है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो कुछ दिन पहले RRB ने नोटिफिकेशन डालकर सूचना दी थी कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम TCS कंपनी करवाती थी, पर इस बार रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम एक नई कंपनी करवा रही है जिसका नाम है NSEIT। अब इस नई कंपनी का नाम सुनकर रेलवे डी ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में कुछ डाउट पैदा हो रहे हैं, जैसे कि NSEIT एग्ज़ाम एजेंसी कैसी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एजेंसी 12 साल से एग्ज़ाम करवा रही है तथा काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम करवा रही है, और इसके अलावा अभी भी ये कंपनी 150 से अधिक क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं दे रही है, जैसे कि आधार कार्ड, HDFC बैंक, फेडरल बैंक इत्यादि। इसके अलावा दूसरा डाउट है कि कौन कौन से एग्ज़ाम NSEIT ने अभी तक करवाए हैं। तो अगर हम ओनली रेलवे की बात करें तो इस एजेंसी ने अभी तक RPF कॉन्स्टेबल तथा RPF SI के एग्ज़ाम करवाए हैं, तथा इसके अलावा UPSI का एग्ज़ाम भी इस कंपनी ने संपन्न करवाया है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न यूज करने वाली है जो TCS कंपनी यूज करती थी, तथा सिलेबस भी वही सेम रहने वाला है, क्योंकि कोई भी नई कंपनी अगर फर्स्ट एग्ज़ाम करवा रही है तो मोस्ट ऑफ वह पुरानी वाली कंपनी के पैटर्न को ही फॉलोअप करती है। लेवल की बात करें तो 10th क्लास का ही लेवल रहने वाला है, और जैसे TCS कंपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा पूछती थी, सेम वही यह कंपनी करने वाली है। यह कंपनी भी आप सभी को पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम 100 शिफ्ट में पूरे होने वाले हैं, तो इतने पेपर बनाना और वो भी इतने कम समय में किसी भी कंपनी के लिए उतना ही मुश्किल होगा। तो सबसे अच्छा है कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही यूज करेंगे, तो आपके लिए भी सबसे अच्छे यही रहने वाला है कि आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद।